पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, लेकिन जो काम पंचायतों में आगे आकर महिलाओं को करना चाहिए वह बातें कहीं पीछे रह जाती है। विकास के कार्यों में महिलाएं निर्णय लेते हुए कहीं नहीं दिखती है। अमूमन जो निर्णय लिए जाते हैं वह पति पिता या पुत्र द्वारा फैसले किए जाते हैं, लेकिन अब सरकार ने एक नया प्रयोग किया है। पंचायतों में महिलाओं को सशक्त भूमिका अदा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। धनीपुर ब्लॉक में दिल्ली से आए ट्रेनर महिला ग्राम प्रधानों को गांव के विकास व आर्थिक निर्णय लेने की जानकारी दे रहे हैं। प्रधानों को घर से बाहर निकलकर जमीनी स्तर पर ग्रामीणों से जुड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव से जुड़े विकास कार्य कैसे हो उसके लिए सुझाव दिए जा रहे हैं। गांव में समरसता और विकास की बयार बहे इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था तो है, लेकिन अधिकतर महिलाएं जो पंचायत में जीत कर आती है लेकिन विकास कार्यों में उनका योगदान नहीं होता है, उनके परिवारी जन इसकी भूमिका अदा करते हैं। जो भी समस्या गाँव की होती है महिला प्रधान उसका समाधान करते नजर नहीं आती है। ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें काम करने के लिए कुशल प्रशासक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायतों में महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। अधिकतर ग्राम प्रधान अपने घर और परिवार के प्रबंधन को कुशलता से अंजाम देती है, लेकिन क्षेत्र में भी उन्हें कुशल प्रशासक के रूप में मजबूत बनाया जा रहा है। अहलदादपुर की महिला ग्राम प्रधान ज्योति ने बताया कि हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुरुष सत्तात्मक समाज में भी महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी हमें आज महिला सशक्तिकरण के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया अमृता जी के द्वारा। इन्होंने हमें बताया कि जैसे पुरुष सत्तात्मक हमारा यहाँ के पुरुष सत्तात्मक वो है प्रधान है, तो इस वजह महिलाओं को आगे आना चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं प्रधान होते हुए भी अपना कार्यभार नहीं संभालती हैं, ज़्यादातर पुरुष संभालते हैं, तो उसी के बारे में हमें बताया गया। क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक प्रधान होने के बाद? बस वही जो रूढ़िवादिता गांव में होती है कि यहाँ महिलाएं नहीं जाएंगी पुरुष जाएंगे, तो उसी के बारे में मैम ने बताया अमृता मैम ने कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। जैसे कि मोदी जी का है कि महिला सशक्तिकरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियाँ या बहुएं जब तक आगे नहीं आएंगी तो महिला सशक्तिकरण आएगा ही नहीं। हमारा समाज क्यों नहीं बदल रहा है? ये तो रूढ़िवादी उनके दिमाग में बसी हुई है। अभी गांव लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है दिमाग में। अभी ये तो धीरे धीरे आएगा, तुरंत तो नहीं आ सकता है। कुछ बहुत अंतर आया है, शिक्षा की कमी भी है। जी जी जी, शिक्षा तो सबसे ज़्यादा पहलू मेन पहलू शिक्षा ही निभाती है इस कार्य में। तो अभी आज अंतर आ रहा है, इतना नहीं आया, मगर 55% अंतर है लोगों के दिमाग में और वो धीरे धीरे होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर पड़ रहा है जी, 55-56% है लोगों पे, बहुत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। आप एक प्रधान हैं, किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? मुझे भी यही शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं जो सामने आती हैं गांव लेवल पे, जल्दी शादी कर देते हैं। मैं काफ़ी लोगों को कन्वे करती हूँ उन चीज़ों के लिए। अब मैं खुद एक MED हूँ, UPTET मेरा क्लियर हो चुका है, तो मैं अब प्रधान खत्म होने के बाद मैं भी अपना गवर्नमेंट में ही बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू करूँगी समाज सेविका के रूप में।